आज हम उनके मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनके पुतले फूक रहे हैं, उनको थोड़ी तो लज्जा आनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री चुना है उनको, व्यापारी नहीं चुना है हमने। सरकार चाहे तो शहीद भी हो जाएंगे, पर तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक बिल वापस नहीं होंगे। 2 महीने निकाल लेंगे, क्योंकि ये किसानों का जोश, हमें प्यार जोश इतना मिल रहा है, भी लग ही नहीं रहा भी हमने 18 दिन से कुछ खाया ही नहीं है। जिम्मेदार कौन होगा? मोदी सरकार और अडानी बानी होंगे, तीनों होंगे। जितने भी शहीद होंगे भाई हमारे यहाँ हो चुके हैं और होंगे, उनका सारा और सारा अडानी अंबानी और मोदी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब तो हम ये प्रे करेंगे, हमने किसान भाइयों को भी डटे रहो, हम तो लगे हैं पे, हम तो बलिदान देकर ही वापस जाएंगे, या तो काले बिल वापस करवा कर जाएंगे। ये तो हमने ठान लिया है, तो घरों को चले जाएंगे, लेकिन जिनके घर से ही चले गए लोग, धरती से चले गए, उनका क्या होगा? उनको भी कुछ ना, उनकी भरपाई तो कोई कर ही नहीं ना सकता। हम एक ऑफर देते हैं उनको, हम बनाएंगे उनको 15 साल लगातार प्रधानमंत्री। आप ये काले बिल आज ही रद्द करें, 15 साल? हाँ जी, क्यों नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं उदय, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। हिंदुस्तान के इतिहास में ये दर्ज होगा जब किसानों को लगातार साइड करने की बात चल रही हो केंद्र सरकार में, तो ऐसे मसलों को लेकर जब जब किसान के हक और अधिकार के लिए युवाओं ने बड़ी कुर्बानी दी है। यह तस्वीर देख लीजिए, शहीद फेरुमान दल किसानों के हक में भूख हड़ताल, महंत जसवीर दास जी सिंह और तमाम उनके लोग जो है आज अनसन पर बैठे हैं। ये बड़ी तस्वीर है सिंधु बॉर्डर से, जो लगातार अब किसानों की पारी को, आगाज को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आज 19वां दिन है। जरा गौर से इस तस्वीर को देख लीजिए, बैनर पोस्टर को देख लीजिए। उस इतिहास में ये दर्ज होगा कि किसानों के लिए किसने बड़ी कुर्बानी दी गई थी। अब महंत जसवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, मैडम हमारे साथ मौजूद है। मैडम से बात शुरू करना चाहूंगा कि किस तरीके से किसानों को दरकिनार किया जा रहा है, उनके अधिकार का हनन किया जा रहा है, ऐसे वक्त में 19वां दिन जो है भूख हड़ताल पर जसवीर जी बैठे हुए हैं, कैसे देख रहे हैं इस चीजों को? देखिए, किसानों के हित के लिए तो कोई कार्य हुआ ही नहीं है। अगर उनके हित के लिए होता तो यहाँ पे इतना बड़ा आंदोलन क्यों चलता? आज इतने बड़े आंदोलन का कारण है कि उनका हित कहीं देखा नहीं जा रहा है, अनदेखी की जा रही है, और सरकारों को इसमें अपना पर्सनल लाभ दिखता है। अपने लाभ के लिए किसानों को दाव खेल दिया है, इनके ऊपर दाव खेल के उनको आज सड़कों पर बैठने को मजबूर किया है। क्या कसूर है इनके संग किसानों का? जो चीज़ें आप, जो कानून, काले कानून इन पर थोप दिए गए हैं, ये चाहते नहीं है कि ये काले कानून हमें पसंद ही नहीं है, तो फिर क्यों बनाए जा रहे हैं? क्यों नहीं रद्द किया जा रहा? क्यों मांग नहीं मानी जा रही है किसानों की? क्या गलती है इन किसानों की? ये धरती से जुड़े हुए लोग हैं, इन्होंने आपको महलों में पहुंचा दिया और आपने इनको सड़कों पे लगा के बिठा रखा है। क्यों नहीं काले कानूनों के बारे में इनकी सुनवाई हो रही है? 2 महीने ये पंजाब में बैठे, आज एक महीना पूरा हो गया इनको दिल्ली की सड़कों पे बैठे हुए। एक दिन रह के देखे सरकारें? नहीं, एक बात सुनिए मैडम जी, 19वां दिन है आज जी, कब तक ये अनशन चलेगा? जब तक कानून रद्द नहीं होंगे? बिल्कुल, जब तक कानून रद्द नहीं होता तब तक चलेगा। तब तक चलेगा जी, बड़ा बोझ ले चुके। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये परंपरा है हमारे शहीद फेरुमान दल की, परंपरा है जी। दर्शन सिंह फेरुमान जी ने 74 डेज का मौन व्रत रखा। उस समय की सरकारों ने उनकी मांगों को पूरा न करते हुए 74 डेज, एशिया का रिकॉर्डेड व्रत है जी, उन्होंने 74 डेज पे उन मौन व्रत दिया, उन्होंने शहीदी दी, उनका 74 डे उनका देहांत हो गया। तो उसके बाद इनके पिताजी महंत जसवीर दास जी के पिताजी महंत सेवादास सिंह जी ने इस व्रत को कंटिन्यू किया। उन्होंने अकाली दल के जनरल सकत्तर के पद से इस्तीफा देके, महंत सेवादास सिंह जी ने जनरल सकत्तर के पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि सरकारों ने अनदेखी की उस दर्शन सिंह फेरुमान जी के मुद्दों की। तो उन्होंने इसके ऊपर खुद व्रत किया, 44 दिन का व्रत रखा। उसके बाद जब उनको पता चला कि सरकारों को, कि अगर ये भी शहीद हो गए तो इन हमें पूरी जनता का विरोध सहना पड़ेगा, ऐसे इसी के चलते उन्होंने अपने नुमाइंदों को भेज के व्रत खुलवाया कि हम आपकी मांगों को मानते हैं। देखिए, ये परंपरा है इनकी। आज महान जसवीर दास जी महान सेवादास जी के बेटे हैं, तो इन्होंने इस व्रत को शुरू किया है, एक संघर्ष शुरू किया है जी, अपनी परंपरा को बचाने के लिए लगातार अनशन पर बैठे। जो क्या लग रहा है महन जी, किस तरीके से देख रहे हैं, कब तक ये लड़ाई चलेगी, कब तक अनशन पर रहेंगे आप? अनशन तो आज खत्म, चाहे तो आज हो जाए जी। सरकार चाहे तो शहीद भी हो जाएंगे, पर तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक बिल वापस नहीं होंगे।
क्योंकि सरकार एक चीज भूल रही है, सरकार को पता नहीं ये गलतफहमी क्यों हो रखी है भी ये लोगों के किसानों के पक्ष का बिल है, जिसको चाहिए जब वो कह रहा है मेरे पक्ष का नहीं है तो जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है। सारा हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा मोदी जी आपकी ये गलती से, आपको हिंदुस्तान कभी माफ नहीं करेगा, हिंदुस्तान की जनता कभी माफ नहीं करेगी। अभी तो अभी सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते, आपकी गलती को गलती नहीं माना जाएगा। किसान इतने भोले हैं भी वो कह देंगे कोई नहीं हमारा पीएम माना तो सही, भूल जाएंगे सब कुछ, नहीं तो पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी, पूरा हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। हम तो बैठ चुके हैं, इसलिए बैठे हैं जो आगे भविष्य हिंदुस्तान का होना है, क्योंकि जब किसान ही नहीं रहेगा तो अनाज उगाएगा कौन, जब अनाज ही नहीं उगेगा तो खाएगा कौन, जब खाने को नहीं होगा तो भूखमरी होगी, भूखमरी होगी तो सब आदमी आदमी को खाएंगे। उस चीज को दिखा रहे हैं, मान जाओ। आपको नहीं लगता कि आपने बड़ा कदम उठा लिया है? बड़ा कदम तब होता जी ये पहली बार होता, ये तो हमारे खून में है। हमारे दर्शन सिंह फेरूमान जी ने बलिदान दिया, शहीद हुए, एशिया का उनका सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है 74 डेज का। मेरे फादर साहब ने रखा 44 दिन का, ये डेढ़ दो महीना के तो हमारे खूनों में रहा है। अब तो लग रहा भी जैसे ये हम एशिया रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। 19 दिन तो हो गया आपका? हाँ जी 19 दिन हो गया जी, पर अभी भी जोश इतना लग रहा है भी दो महीने निकाल लेंगे, क्योंकि ये किसानों का जोश हमें प्यार जोश इतना मिल रहा है भी लग ही नहीं रहा भी हमने 18 दिन से कुछ खाया ही नहीं है। वार्ता चल रही है वहाँ पर, वार्ता चल रही है किसानों और सरकारों के बीच? वो तो सरकार और किसानों के बीच चल रही है, सरकार तो अपनी गंदी राजनीति चल रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जिस मरण व्रत पे आज मैं बैठा हूँ, अनशन पे मैं बैठा हूँ, जिन MPs को हमने चुन के भेजा, क्या उनका फर्ज नहीं था? ये हमें ज़रूरत ही ना पड़ती अगर वो अपने सही दिल से सही ड्यूटी निभाते तो, जब वो अपनी सही ड्यूटी नहीं निभा पाए तो इसलिए बैठे हैं हम। लोगों से अपील है भी अब आगे से देख के जिम्मेदार कौन होगा? मोदी सरकार और अडानी बानी होंगे, तीनों होंगे। जो 60 लोग हमारे मरे हैं ना भाई, शहीद हुए हैं, मैं तो अपने न्यायालय के चीफ जस्टिस से हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ भाई, जो 60 हुए हैं और जो आगे हमारे होंगे उनमें हम भी हो सकते हैं, जितने भी शहीद होंगे भाई हमारे यहाँ हो चुके हैं और होंगे, उनका सारा और सारा अडानी अंबानी और मोदी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अडानी अंबानी से कम 10-10 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए, और मोदी के ऊपर उनके ऊपर हत्या का केस चलना चाहिए। मोदी को भी पता चले भी हमने ये गलती की थी, पर अभी भी हम अपना हाथ जोड़ते हैं, मोदी जी आप हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री हो, मत गलती करो, ये आपका सुनहरे अक्षरों में नाम नहीं लिखा जाएगा, काले अक्षरों में लिखा जाएगा। कोई आपको जाना आपने भी है हमने भी है, कोई आपको याद तक नहीं करेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम 19वां दिन है, लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। अपील मोदी सरकार से कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को अपने घर वापस आ जाता है तो उसे भूला हुआ नहीं कहेंगे। तो लगातार जिस तरीके से मोदी सरकार और किसानों के बीच वार्ता चल रही है, 19वां दिन आज आपका व्रत है, अनशन है, कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? अभी तो दिखना बंद होने लगा है, आवाज भी आपकी धीमी हो गई है, आवाज भी वीकनेस आ गया बहुत ज्यादा। हाँ। अब तो हम प्रे करेंगे, हमने किसान भाइयों को भी डटे रहो, हम तो लगे हैं जहाँ पे, हम तो बलिदान देकर ही वापस जाएंगे या तो काले बिल वापस करवा कर जाएंगे, ये तो हमने ठान लिया है। आपने पहले क्वेश्चन किया था भी आप किस तरह देख रहे हो, पता क्या है, हम पंजाबी हैं, हमारे खून में तो ना एक जेलस हो जाती है, वो जेलस ऐसी होती है अभी एक दूसरे के आगे निकलते हैं बलिदान देने के लिए। मैं बोलता हूँ मैं सबसे पहले बलिदान दूँ, और जसवीर जी बोल रहे हैं मैं सबसे पहले बलिदान दूँ, हम तो बलिदान देने के लिए बैठे हुए हैं। और हर किसान जहाँ पे बैठा हुआ है कोई वापस नहीं जाएगा, जो काले बिल थोपे गए हैं वो वापस करा के ही वापस जाएंगे। ये आपकी सोच कर बैठे हैं कि बलिदान? बस हम सोच कर ही बैठेंगे, हम वापस नहीं जाएंगे, हम सोच कर बैठे हुए हैं। हमारे घर वालों की भी हमें सपोर्ट है भी बेटा जाओ, अब नहीं जाओगे कब जाओगे, आपने देखा भी लाखों की तादाद में किसान जहाँ पे पहुँच चुका है वो घर वालों की सपोर्ट से पहुँचा हुआ है, वो पूरे पंजाब में नहीं हरियाणा से भी है, ऑल ओवर इंडिया से किसान, दिल्ली को चारों दिशाओं से घेर रखा है किसानों ने,
और सर कड़की दर जो सर्दी है ना, सर्दी में बैठा हुआ है और 60 के ऊपर किसानों ने यहाँ पे बलिदान दे दिया है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, मोदी जी इन बलिदानों के पीछे जो बलिदान हुए साथे दिए हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जवाब है ये मोदी जी को देना पड़ेगा और हम ये जवाब भी लेंगे मोदी जी से बहुत जल्द। तो अपील कर दी ना, इन्होंने कह दी कि शाम का भूला हुआ, सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए। आपको ऐसा लगता है कि अगर वो बिल रद्द कर देते हैं, अभी भी रद्द कर देते हैं, तो आप उनके साथ हैं? अगर बिल रद्द कर देते हैं, देखो वो तो हम लोग जो बैठे हुए हैं वो तो घरों को चले जाएंगे, लेकिन जिनके घर से ही चले गए लोग, धरती से चले गए, उनका क्या होगा? उनको भी कुछ ना, उनकी भरपाई तो कोई कर ही नहीं ना सकता। उनके लिए तो आंदोलन पूरी की पूरी उम्र रहेगी। वो आंदोलन की मांग की है, हाँ, उनको कम से कम परिवार को कोई सपोर्ट होनी चाहिए था, जो वो दुख को थोड़ा बहुत हल्का फील कर सके वो। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोग इस तरीके से अनशन पर अपने परिवार को कह कर आए हैं। जरा गौर से इस तस्वीर को देख लीजिए, मोदी सरकार के नाक के नीचे जिस तरीके से दो बहादुर लगातार अपनी तमाम चीजों को, अपनी जान की कुर्बानी लगाकर आज किसान आंदोलन को लगातार बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं ये किसान आंदोलन, अगर बिल रद्द नहीं हुआ तो किसान आंदोलन जारी रहेगा और जो दो बड़ी कुर्बानियां हैं, जो अनशन पर 19वां दिन हो चुका है, वो जारी रहेगा। जी जी, बिल्कुल जारी रहेगा। अब मैं आपको एक देश के प्रधानमंत्री जी से एक बात कहना चाहती हूँ कि आपको व्यापारी, आप प्रधानमंत्री हैं या व्यापारी हैं, आपने व्यापारियों के साथ व्यापार साझा किया है अपना। अगर आज आपको मैं ऑफर देती हूँ, आपको आने वाले 15 साल हम प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे, आज ही आप बिल माफ करिए ना, रद्द करिए ना बिल सारे। हाँ, बिठाएंगे, सर पे बिठाएंगे हम, देखिए देश के, सोच के बोलिए मैडम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बोल दिया, हम बिठाएंगे काले कानून, रद्द करें, पहले किसानों को अपने घर पहुंचाएं, उसके बाद आप पूरे देश के, हाँ क्यों नहीं बनाएंगे, जो देश, जो राजा देश का, जो प्रधानमंत्री देश के प्रजा के लिए सोचेगा, हम क्यों नहीं उसे सर आंखों पे रखेंगे, यहाँ जिंदाबाद करते हुए जाएंगे उनके लिए। आज हम उनके मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनके पुतले फूंक रहे हैं, उनको थोड़ी तो लज्जा आनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री चुना है उनको, व्यापारी नहीं चुना है हमने। अगर उनको व्यापार करने का शौक है, हम भी उनसे एक व्यापारी कर लेते हैं आज। हम एक ऑफर देते हैं उनको, हम बनाएंगे उनको 15 साल लगातार प्रधानमंत्री। आप ये काले बिल आज ही रद्द करें 15 साल, हाँ जी क्यों नहीं करेंगे, ठीक, देश की जनता चुनेगी। जिस तरीके से लगातार ये बड़ा ऑफर, नहीं नहीं आप वेरीफाई कर दीजिए इसको, जसवीर जी बता दीजिए कि मैडम ने जिस तरीके से कहा कि आज ये कानून रद्द कर दे, 15 साल तक प्रधानमंत्री बनाएंगे देश की जनता, देश की जनता के ऊपर है जी। अगर ये रद्द करेंगे, देश की जनता का पता होगा, हिंदुस्तान को पता होगा भी हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी गलती मानी है, देश की जनता को समझा है, तो क्यों नहीं होगा, होगा जरूर, होगा जरूर होगा, क्योंकि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं होता, वो उस तरीके से हमारी जनता भी भूल जाएगी और इनके साथ खड़ी होगी और हर फैसले में खड़ी होगी भी जो सही फैसला लेंगे। और 15 साल क्या, मेरे को लगता है जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से लगातार बड़ा ऑफर दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर से, बड़ा ऑफर कि अगर मोदी सरकार इस बिल को रद्द कर देती है तो आने वाला 15 साल देश के वजीर आलम श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री।